गुड इवनिंग एवरीवन। चलो क्वेश्चन बन गया था लास्ट क्लास वाला, ऑनलाइन बताइए तो सर। यस मैम। यस मैम। बन गया है मैम, एक नहीं बना है। यस मैम। ओके नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, बताओ। उसमें u into v वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखते हैं। u into v का फॉर्म में अप्लाईएबल है किससे, मैं देखूं जरा। U into V applicable है। Yes मैम, एक है ना, 1 plus x square। 1 plus x square। आगे बोलो। इसके पावर log लगा हुआ है। log लगा हुआ है। Yes मैम। Yes मैम। log x है। Yes मैम। और x function of function है। तो मैम function of function होगा तो फिर इसका 2x हो जाएगा ना। हाँ तो एक बार 2x हो जाएगा, फिर अगेन करोगे तो 2x, हर बार 2x 2x इंक्लूड होगा उसमें, यही है ना। अगर लॉग मैम 2x को फिर नहीं हम करेंगे into v पे, नहीं छोड़ेंगे 2x को, फिर से डिफरेंशिएट क्यों करेंगे हम, 2 होल पे थोड़ी है जो 2 into अप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। U into V आता है। चलो ठीक है, रखते हैं, देखते हैं क्या। नहीं देखते हैं। Y is equal to y, sorry, log 1 plus x square, ये है ना? ठीक है, अब अगर इसमें y1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 by 1 plus x square, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, 2x, यही है ना। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, u into v वाला कॉन्सेप्ट आएगा। यस मैम, इसको कन्वर्ट कीजिए ना, पावर माइनस वन हो जाएगा ना। फर्स्ट फंक्शन, इसको u ले लो, इसको v ले लो, जो लेना चाहो कोई एक टर्म ले लो, या फिर इसको ऐसे कर लो, 1 प्लस x स्क्वायर कर लो, माइनस 1 इंटू 2x कर लो, ठीक है। यस मैम, इस पे ये क्वेश्चन हम दे दिए हैं, आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें लेविनियस थ्योरम लगेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी बस करके देख लो, जब हम लेविनियस वाला थ्योरम पढ़ लेंगे तो करके उसको अप्लाई करके देखना कितना शॉर्ट हो जाता है ये, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई वन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट पे, सेकेंड करोगे वाई टू, यू इंटू वी कोई एक ले लीजिए यू वी, ठीक है। अब u into v करेंगे तो u टर्म क्या है आपके पास, u का dv ले लीजिए तो 2 आ गया, u लिख ही देते हैं क्या है। इधर लिखेंगे तो दिखेगा, हम अपोजिट साइड से यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में देख कर लेना। y2 is equal to u into v, सो यू टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1, यू को इंटू कर रहे हैं, v का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, प्लस साइन प्लस, अब क्या हो जाएगा 2x मल्टीपल में, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस भी आ रहेगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1, कुछ बचा है देखो जरा, माइनस यहाँ और कुछ मैम, साइड में बोर्ड नहीं दिख रहा है, साइड में चाहिए। चलो हो गया, ठीक है। यस मैम, ठीक है। अब इसमें क्या और कुछ लग रहा है कि जो जनरलाइज हो सकता है, तो एक देख लेना, 2 दोनों में से कॉमन आ सकता है मैम, इसमें भी एक और होगा ना 2x, क्या 2x तो एक और होगा ना, कैसे होगा, अभी नहीं होगा मैम, इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है, हम लोग ये पूरा ले रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2x और आ जाएगा, 4x कर लो या फिर 4x स्क्वायर कर लो। यस मैम, 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 2x का होल स्क्वायर ले लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप इस तरह से जाएंगे मैम, होल स्क्वायर ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये टर्म जो है अब इस सिंगल फंक्शन में आ गया है, अब जो भी टेंशन होने वाला है वो इसी में प्रोडक्ट मल्टीपल आएगा,
उसमें नहीं आएगा क्योंकि एक ही टर्म है इसका जो फंक्शन तुम लोग पहले सॉल्व करते थे जिस तरह से जाता था 2x मल्टीपल हो जाएगा। देखो इसमें अगर सिर्फ इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रहेगा माइनस वन टू और वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस टू, ठीक है, और साथ में और क्या जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन था तो 2x हो जाएगा मैम, ठीक है, सो 2x वाला टर्म और ले लो, 2 ऑलरेडी एक है, यस मैम, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे तो इसी सीक्वेंस में जाएगा एग्जैक्ट फंक्शन एन टर्म तक बताना पूरा बहुत मुश्किल है, वो बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लेविनिस थ्योरम ओनली, ठीक है, जो कि पढ़ोगे तब पढ़ेगा। ओके मैम, ठीक है, तो अभी रहने ही दो, ये शुरू में क्या था, इस टर्म को v को कांस्टेंट रखे थे तो 2x हो गया, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू टू एक्स, ठीक है, चलो इसके बाद y2 फिर से y2 एक बार फिर से बता दो, y2 वाला टर्म कहां गायब है पता है, u और v लो, इसको u ले लो इस सेक्शन को, इसको v ले लो, u v फंक्शन पढ़े थे ना, u को फिक्स कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 हो जाएगा, बोलो u into v 2x का डिफरेंशिएशन 2, अगेन दूसरे में 2x का डिफरेंशिएशन करना है, 2x को ऐसे चेंज कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन तो करते ही आए, रहने दो, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन होता तो बन जाता, फंक्शन ऑफ फंक्शन है और मल्टीपल में है, इसलिए कभी भी जो लेविनिस थ्योरम पढ़ते हैं ना वो u into v पे ही काम करता है, ठीक है, इसलिए वो पढ़ेंगे तब, पढ़ना है आगे, एक क्वेश्चन लिखो तो e to the power ax into sin ax plus b, ये u into v का ही है लेकिन ये बिना लेविनिस थ्योरम के बन सकता है, e to the power ax into sin ax plus b, ये बिना लेविनिस के बना सकते हो, जरा कोशिश करिए तो इसका क्या आ रहा है, ठंड के मौसम में इतनी गर्मी किसको लगती है, कम कर दो उसका टेम्परेचर, ज्यादा करो वाई एन एज यूजुअल वाई एन, एक काम करो दोनों सेम कांस्टेंट है पी एक्स प्लस सी का, ए सेम हो जाता तो फिर दिक्कत होती, चलो करो, 20 लिए कर दिया ना, यहाँ पे ए था फिर ये भी ए हो जाता तो पता चलता कि कंफ्यूज ही है, डबल ए हो जाता ना, यू इंटू वी सिंप्लीफाई कर लो जैसे करते हो वैसे ही होगा, देखो क्या रहा है, इससे एक फॉर्मूला जेनरेट होगा इसके डेराइवेशन से, बन गया, क्या डिस्कशन करने लगते हो,
देखो पहले आइटम पे बताएं, देखिए क्या है, यू वी ले लो, इतना तो कर ही सकते हैं, यू इंटू वी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू इंटू वी डीवी जो टर्म है याद है तो लिख लीजिए, बस नहीं है तो फिर ई टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये फर्स्ट वाई वन निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस गलत है, कॉस लिखने का ठीक है, कॉस ही लिखो, चलो कॉस बी एक्स प्लस सी पढ़ना इंटू बी, ओके आगे प्लस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू इंटू ए, ठीक है यही होगा। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर ax तो कॉमन ही है दोनों में, हटा देते हैं e टू द पावर ax, क्या बच रहा है देखिए, b cos bx plus c plus sin कांस्टेंट बाहर कर लो a sin bx plus c, ठीक है ये सेम टर्म है। चलो यहाँ ध्यान दो, अगर इसका एक्सपेंशन हम और y2 तक जाते हैं, बाद में बात करना, y2 करते हैं या फिर y3 करेंगे तो sin cos cos sin ऐसा कुछ कन्वर्जन हमेशा मिलता रहेगा। इससे अच्छा ये करते हैं, कुछ फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का अगर याद हो तो sin a cos b cos a sin b का कुछ फंक्शन होता था जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिल जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये चूंकि कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉस साइन के टर्म में। अगर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन बी कॉस ए साइन बी, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, आर कहाँ से आया नहीं समझे, साइन ए कॉस बी लिखते हैं इतना पता है, ठीक है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, चलो ए इज इक्वल टू हम आर कॉस थीटा बी साइन थीटा कैसे लेते हैं, देखो जब भी एंगल होता हो याद करके वापस से, ये एंगल होता है मान लीजिए ये टर्म साइन कॉस कैसे लेते हो बताइए तो जरा, ये पॉइंट थीटा क्या लिखते हैं, इस पॉइंट को क्या लिखते हो कॉस थीटा के टर्म में, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा याद है, यस मैम, आई नहीं होता है, आयोटा आता है कंपोजिट फंक्शन में, कॉम्प्लेक्स रूट में आ जाता है, आई तब आता है, चलो उससे भी पहले एक आ जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, चलो और शॉर्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा साइन थीटा, फॉर्मूला पी वाई एच मैम, पी वाई एच होता है पी वाई एच, ठीक है। अब अगर इसी को ग्राफ में यहाँ से देखते हैं, ये एंगल है बी क्या होगा, ये टर्म एच क्या होता है, ये होता है एच को हम आर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, पी क्या होगा, पी क्या होगा दिस परपेंडिकुलर, ठीक है तो पी जो भी रहा हो वो भी हम बी का टर्म ले लेंगे और एच क्या हो जाएगा, एच को ही यहाँ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब साइन थीटा जो हो जाएगा, बी का वैल्यू जो हुआ वो क्या हो गया, आर साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये जो होता है वो पी के बराबर होता है, ठीक है मैम, वहाँ तो परपेंडिकुलर आर साइन थीटा हुआ है, हाँ तो परपेंडिकुलर जो थोड़ी परपेंडिकुलर है तो कांस्टेंट, अरे तो एंगल के टर्म में इसको डिवाइड करते हैं ना, ये जो एंगल आता है इसमें क्या होगा, ये आर साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में इसको नहीं लिखा जाता है, ये डिस्टेंस जो पोलर फॉर्म में आर साइन आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखते हो आता है पोलर फॉर्म में, वही टर्म है इससे कैसे रिप्लेस हो रहा है, इसी थ्योरी से ही डिराइव होके आया है ना सारा एंगल, जो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री है वो इसी के बेसिस पे आया है ना, इसी को आप इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जितना भी लॉ है ट्रिगोनोमेट्री का उसको उसी के बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, उसी के टर्म पे इसको लाया जा रहा है जो की कॉन्स्टेंट आएगा, ए और बी का जो वैल्यू होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा,
मतलब देखो जो भी आप पढ़ते हैं ना, जो फॉर्मूला लट के रखे हैं वो सारा रिजल्ट है, जिससे ओरिजिनेट हुआ है वो यही फंक्शन है। तो ओरिजिनेट इसी टर्म से हुआ है, तो r cos थीटा परपेंडिकुलर जो भी होगा, b को परपेंडिकुलर ले लोगे, साइन इसके टर्म में एक r cos थीटा ले रहे हैं, उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब अगर इसको रिप्लेस करिएगा तो क्या आ जाएगा, b से यहाँ पे वही वैल्यूज रख लो, तो e to the power x, b को क्या लिखोगे, r sin थीटा cos bx plus c plus a को क्या कर रहे हैं, r cos theta into sin bx plus c, और r का वैल्यू क्या होता है, h square का वैल्यू याद करो, अंडर रूट a square plus b square, जो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ भी ये भी डाल दीजिए, r का वैल्यू जो होगा वो a square plus b square का पावर हाफ होगा, अंडर रूट कर रहे उसको हम हाफ लिख रहे हैं, और ये थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तब याद रहेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, मत करो, ठीक है, हो गया ये। अब इसमें से आप r जो टर्म है वो भी कॉमन ले सकते हो बाहर, और r का वैल्यू इससे रिप्लेस भी कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिएगा, तो a और b जो होगा उसके थ्योरी पे बेस है, ए और बी का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ होगा, तो अब आप यहाँ से आर निकाल लो तो क्या बचा, ई टू द पावर ए एक्स आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है याद करो, साइन बी एक्स प्लस सी, साइन ए प्लस बी है तो वो टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं आपको, मैम दिख नहीं रहा है नीचे वाला, अब नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब क्या करेंगे, साइन ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ये वाई वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, आर का वैल्यू रहने दो, अभी क्या हो गया, साइन ए प्लस बी, तो साइन जो जो टर्म है लिखते चले जाओ, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा हो गया, बस खत्म, यही आया है, सारा वैल्यू रख लो, अब आपका पैटर्न फिक्स पैटर्न मिल चुका है, अब हर बार साइन को डिफरेंशिएट करोगे अकॉर्डिंगली वैल्यू मिलता चला जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स हर बार आएगा, आर का वैल्यू लिखोगे वो ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, कल इतना ही तो उसके बाद आगे बताएंगे, नहीं तो पता चला सब उड़ गया, क्या कर रहे हो, बात में कर लेना, कैसे पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में कैसे बनाना है, इसमें कोई इसमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, डिराइवेशन ही है, फॉर्मेट नहीं है कि पहले फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार फिर से बताइए, समझिए, बोलो लास्ट उधर यहाँ, इसमें आर कॉस क्या है, आर टर्म बाहर कर दिए, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी साइन ए, वही टर्म वहां लिखा हुआ है, मैम बी जरूरी थोड़ी है, बेसी हूँ, साइन बी एक्स प्लस थीटा, ए क्या है, साइन ए कॉस बी, ए की जगह थीटा है, बी की जगह बी एक्स प्लस सी है, साइन ए कॉस बी साइन ए, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, मतलब बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा फॉर्मूला, जितना भी कुछ सिलेबस जो है ना
वो शुरुआत यहाँ से है, तो आगे सोच लो क्या ही होगा। शुरुआत का है, फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन में आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, मतलब इसके पहले का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही सारा आएगा। ठीक है, उड़ाओ और ऊपर से अब यहाँ पे ध्यान दो, शुरुआत में क्वेश्चन क्या था? सब हेल्पिंग लाइन फेल हो जाने वाले, ठीक है, सब हेल्पिंग लाइन फेल हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया एग्जाम में, जैसा हमेशा होता है, तो पूरा डिराइवेशन करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलो अब देखो, इसके बाद हम लोग शुरू से क्या ऑब्जर्व करते थे, y को y1 से कंपेयर करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट वो आ चुका है, जो y था वो हमारा ये है। तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है, e to the power x सेम है। यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, bx plus c था, यहाँ पे bx plus c है, एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है थीटा, और एक टर्म r है जो एक्स्ट्रा आया है, ये है ना। अब r का टर्म, r का वैल्यू जो है, वो r का वैल्यू वो लिख दोगे जो भी टर्म है उसके बेसिस पे आ जाएगा, e to the power सेम है। अगर इसी में y2 पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं, बस एक गेस बताइए, सिर्फ गेस बताइएगा क्या हो सकता है। चेंज होगा दोबारा, इसका सेम ही है ना, बदलने वाला नहीं है, फोटोकॉपी है। तो ई टू द पावर एक्स चेंज क्या हो रहा है, आर एक इंक्लूड हुआ है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक और आर आ जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, साइन bx प्लस c प्लस ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर yn तक चले जाते हैं, सपोज तो दैट इज e टू द पावर ax r टू द पावर n, या फिर n ऐसे करोगे n by 2 कर लोगे टर्म आ जाएगा, क्योंकि रूट था ना वैल्यू, उसको रखोगे तो आ जाएगा, वो ऐसे आ ही रहेगा, तो क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू जो आ रहा है क्या आ रहा है, आर का वैल्यू, ये पूरा टर्म है ना, तो ये पूरा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1 बाई 2 वैसे लिखिए, या फिर आर का पावर एन कर दीजिए, साइन बी एक्स प्लस थीटा, सॉरी बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, ठीक है, ये पैटर्न आएगा। बट एक काम करो तुम लोग, ये लिखने के पहले एक बार इस पे और अप्लाई करके देखो, इस पे y1 के बाद y2 सॉल्व करके निकालो, हम कुछ नहीं बताएंगे, इसको छोड़ दो, इसके बाद सेम पैटर्न से बस फॉलो करके बनाओ, सेम पैटर्न से फॉलो करके बनाओ, इस पैटर्न को फॉलो करो ना, यू वी करके r कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, बाकी सिंप्लीफाई करो, u into v सेम टर्म दिखेगा, सिंप्लीफाई करके देखो, करके देखो, ये ऐसा टर्म नहीं है ना, ऐसा टवा दिया जाता है, बनाओगे तो तभी बनेगा, स्टेप वाइज है, एक टर्म बदलेगा पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा, करके देखो, करो करो। आर को बाहर कर दीजिए, बाकी सारा कुछ सेम ही मिलने वाला है। थीटा उसपे है ना, क्या दिक्कत है, थीटा से तो बन गई, दिस इज कांस्टेंट है, थीटा ये कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा ना, यहां पे ऐसे कांस्टेंट वेरिएबल जिसमें आ गया उस पे x है, यहां पे वो वेरिएबल है, c और थीटा में तो वेरिएबल नहीं है। अब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स करके जैसे डालते हैं वैसे डाल सकते हैं, बट वो अभी रहने दीजिए, वो पता चला सब ऊपर गया, बोलो क्या हुआ, Thank you.
हंसना बंद करो, सॉल्व करो, हंस लेना बाद में. बहुत टाइम मिलेगा हंसने का, कुछ नहीं करोगे तब भी हंसने का. इस पोर्शन को मिटा दे तब पता चलेगा तुम लोग को समझ में आया या नहीं. बनाओ ना. कुछ नहीं करना है, सेम काम मिलेगा, एक्स्ट्रा सिर्फ आर आ रहा है, बाकी देखो सेम ही है. और सी प्लस डी कुछ ऐसा टर्म हो तो इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है. जो स्टेप फॉलो किए हैं बस सेम ही आपको कॉपी करना है, कुछ ज्यादा जा ही नहीं रहा है. करके देखो बस. हो गया, आ गया. आर कैपिटल मत लिखो, कहानी ही बदल जाएगी. और दोनों में एक ऐसे, इसमें भी बी है, एक अटोम गायब है, सी है, मुझे पूरा बहुत स्टेप है, स्टेप स्टेप फाइव टू फाइव बांगल पॉजिटिव चार अगला स्टेप साइंस फाइव प्लस थ्री समझ आया. समझ आया क्या? ठीक है चलो देखो हो गया हमारा. चलो जिनका नहीं हुआ एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है. ठीक है एक बार बस हम दोबारा से बता दे रहे हैं, क्लियर कर लीजिएगा. ठीक है जिसको भी कंफ्यूजन हो. चलो पहली बार इस टर्म को हम आर जो जो टर्म है बस लिख रहे हैं. ठीक है आर टर्म एक्स्ट्रा है जो यहाँ नहीं था, कांस्टेंट है, तो आर को हम बाहर लिख देते हैं. वाई वन इज इक्वल टू आर बाहर आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा. बात नहीं करो, नहीं बताए ये टर्म है, ये टर्म देखो एग्जैक्टली कंपेयर करो सेम ही जैसा है, सिर्फ थीटा इंक्लूड है. थीटा एंगल में कुछ और इंक्लूड होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पूरे डिफरेंशिएशन में. सो अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो e to the power ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा. इसको पूरा एज इट इज लिख लोगे साइन bx plus c plus theta यही होगा ना. प्लस साइन नेक्स्ट टर्म यहाँ पे r लिख देते हैं, r बाहर है. नेक्स्ट टर्म में इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? cos bx plus c plus theta. और डिफरेंशिएशन में क्या है? यहाँ पे b आ जाएगा बाहर और क्या बचा?
e to the power x, ठीक है? कुछ और है बचा हुआ? नहीं। अब b को जैसे वहां रिप्लेस कर रहे थे r sin theta से, a को r cos theta से, तो यहाँ पे लिख देते हैं r e to the power x, e to the power x भी बाहर कर लो, तो r into e to the power x, a को क्या करना है? r cos theta, so r cos theta into sin bx plus c plus theta plus r b is equal to है r sin theta plus sorry into cos bx plus c plus theta, ठीक है? टर्म sin a cos b, यही पे आ गया sin a cos b वाला टर्म। तो अब क्या हो जाएगा? r into e to the power x, ये r मल्टीपल है और ये टर्म पूरा क्या हो गया? sin bx plus c plus theta plus theta, two theta टर्म आ गया। ये r into r, r square e to the power x sin bx plus c plus two theta। बताओ कोई दिक्कत है तो? ये पूरा इसका सेट है। और अभी डिफरेंशिएशन में और भी लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन मिलने वाला है, ये सब अभी छोटा है। हाँ, 20 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 15 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं होता है, सो 15 नंबर के लिए ये कुछ नहीं है। अगर सब्जेक्टिव का है, 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, 15-20 नंबर का एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है ऐसा। दो पार्ट में दे देता है, कभी कभी 20 का एक दे दे या फिर 10-10 का दो दे दे, ए बी करके दे देता है, ठीक है? अब इसी का, अब दो में तो पैटर्न पता चल गया, वैल्यू रख लो, तो इसके बाद का जो टर्म होगा यही वैल्यू yn के लिए क्या हो जाएगा? r का पावर l e to the power ax sin p है px plus c plus n theta खत्म। और r के वैल्यू को क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर n by 2, क्योंकि अंडर रूट होता है ना, आर का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो ये टर्म हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इनटू ई टू द पावर एक्स, एक टर्म और है यहाँ पे, साइन बी एक्स प्लस सी, और थीटा जो टर्म है ना, इस थीटा को कभी कभी टैन इनवर्स बी बाई ए भी लिखा जाता है। टैन का वैल्यू क्या होता है बताओ तो जरा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा क्या था जो मान के चले थे? देखिए बी आर साइन थीटा को क्या लिए थे? बी बाई आर, ठीक है? और सी बाई सॉरी बी बाई ए ना, क्या है? a by r, तो r r cancel, अल्टीमेटली क्या बचेगा? tan theta is equal to b by a, so theta is equal to tan inverse b by a। तो ये भी याद रखना है, ये सारा टर्म r का वैल्यू याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी होता है, वैल्यू न्यूमेरिकल टर्म होंगे, हो सकता है b का वैल्यू 2-3-4 ऐसा कुछ दे दे सिंपलीफाई करने के लिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है? अंडर रूट है ना, ठीक है? अब अगर इसी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 5 रख के बनाओ तो जरा, समझ नहीं आया? आ गया। y is equal to e to the power 2x into sin
फाइव एक्स प्लस थ्री कर लो, ठीक है, बन जाएगा साइन फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री। मैम ए की जगह टू आ जाएगा और बी की जगह फाइव, बी की जगह फाइव, सी की जगह थ्री है तो सी का कोई वैसा रोल नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टेंट की तरह रख देना है, बन जाएगा। अब करके देखो, अब जो पढ़े हो उसको अप्लाई करो, सब ये रेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था वाई, एक मिनट मुझे इतना लेट शाइन करता है टीवी सैंपल। वाई इज इक्वल टू क्या था, ई टू द पावर टू एक्स साइन फाइव एक्स प्लस थ्री, बन गया डायरेक्ट वाई एन वाले फॉर्मूला पे डाल दिए। अगर क्वेश्चन में ये पूछा था इसका nth डेरिवेटिव चाहिए तो डायरेक्टली yn कर लो, और yn का वैल्यू अभी रिजल्ट तो याद नहीं होगा लेकिन है e to the power x जो है वही रहता है, तो e to the power 2x, उसके बाद r है, r टर्म की जगह पे क्या आता है a square plus b square, a का वैल्यू क्या है 2, b 5, तो r का वैल्यू है अंडर रूट a square means 4 plus 5 का square 25, so अंडर रूट 29, ठीक है, so यहाँ पे आपके पास r का वैल्यू आ जाएगा 29 टू द पावर एन बाई टू, दिस इंटू साइन क्या है 5, तो है 5x रहेगा प्लस 3 भी रहेगा, और थीटा का आंसर मुझे बताओ तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, टैन इनवर्स बी बाई, और बी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 2 है, तो आप यहां लिख सकते हैं टैन इनवर्स 5 बाई 2, और ये पूरा होल आंसर हो गया yn, जब मैथमेटिकल टर्म दिया है, ठीक है, इनटू n, हाँ सॉरी थीटा में n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n डाल दो और n का भी अगर वैल्यू गिवन है तो वो भी पुट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर इसी में साइन को कॉस से रिप्लेस कर लिया जाए तो करके देखो तो माइनस हो जाएगा, तो हम भी देखेंगे। क्वेश्चन जो था ना अभी जो एक्सप्रेशन डील कर रहे थे उसी एक्सप्रेशन में साइन एंगल ना हो के कॉस एंगल रहे, तब देखिए क्या आता है, क्या चेंज आएगा, हाँ वही रहेगा, वाई लिख देते हैं, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस डी एक्स प्लस सी, करो बनाओ बनाओ ही बनाओ तुम लोग, नहीं तो पता चला मेरा सर जो खाओगे सो खुद का खा लो, सॉल्व करते नहीं हूँ और समझ में नहीं आता है वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। हाँ
साइन ए माइनस बी जिस पे वहां बनेगा क्योंकि उसका फंक्शन सेम तो रहेगा ही, डिफरेंशिएशन अलग होता है, यू इनटू बी का रिजल्ट अलग होगा, अंतर आएगा, क्या अंतर आ रहा है बस वो देखना है, करके देखिए। कॉट इनवर्स, कॉट का क्या जरूरत है, करो जो करना है करो, एक्सप्रेशन लाओ ना देखो क्या आता है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन जो भी आ रहा है लेके आइए, देखते हैं क्या आ रहा है, या फिर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो देखो साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज कन्वर्ट करने का भी उपाय है ना, साइन ए कॉस बी, अच्छा अभी जो हम फॉर्मूला लिखे थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, किसका रिजल्ट था साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, तो आ जाएगा, देखो कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग रखना है ए और बी का, बस वही करना है, सिर्फ उसी में लॉजिक है, बाकी सब सारा टर्म वही है जो आप करते हैं फेसबुक। मैम नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, फॉर्मूला ही नेगेटिव होता है कॉस का, याद करो अगर याद हो तो, नहीं याद है कुछ को, याद कुछ को नहीं याद है तो हम क्या करें बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, देखो कॉस थीटा या फिर ए जो लिखना चाहो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी जो होता है दैट इज कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, yes, ma'am. बस यही चीज अप्लाई कर लो तो पैटर्न सेम आ जाएगा, देखो आ जाए या नहीं, क्वेश्चन जब तक पेन पेपर इस्तेमाल नहीं करिएगा मैथ का एक भी सवाल नहीं बनने वाला है, लाइक कंप्यूटर में जब एप्लीकेशन नहीं करते हो प्रोग्रामिंग नहीं करोगे नहीं पल्ले पड़ने वाला है, सेम ही आता है, आर का पावर अच्छा फर्स्ट फिगर, ठीक है सही है, वही आ रहा है ना, हाँ हाँ जो माइनस एन थीटा सॉरी प्लस एन थीटा आएगा, प्लस आएगा, प्लस ही है, प्लस आएगा, सेम आएगा, सिर्फ साइन की जगह कॉस आ जाएगा, माइनस कैसे आ रहा है, एक मिनट आ गया, अब कितने लोगों का नहीं आया है, तुम्हारा क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं बना है, बनाए नहीं कि बना नहीं, नहीं बन रहा है, नहीं नहीं क्या कर रहा है, ये कहाँ गया इसका इसी तरह रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, एग्जाम देखोगे तो पूछे क्या हुआ,
पता नहीं जो होगा देख लेंगे। क्या हुआ तुम्हारा बना क्या? चलो देखो एक बार क्या लास्ट टर्म बता रहे हैं। यू वी जैसे चल रहा था करिए ई टू द पावर एक्स यू इंटू डीवी। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बाकी कॉस डी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? U को डिफरेंशिएट कर दिया, V लिख दिया, प्लस साइन। नेक्स्ट टर्म में आ जाओ क्या है? इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज ए कांस्टेंट ले लो, तो ई टू द पावर x डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी। ठीक है, अब b जो टर्म है कांस्टेंट, b और a को रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो y1 क्या आ जाएगा? पहले तो ई टू द पावर x कॉमन ले लो, बचा क्या? ए को रिप्लेस कर लेते हैं कॉस ए में आर कॉस थीटा। ठीक है, तो आर कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू साइन आर साइन आर रहेगा ना आर साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, आर टर्म दोनों में है, बाहर ही निकाल लीजिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी मतलब बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ये टर्म आ गया किसका? ये पूरा वैल्यू ही आ गया। साथ में क्या आया है इधर? ई टू द पावर ए एक्स इंटू आर आर वाई वन। अब इसके बाद क्या बचा? जो टर्म जो पैटर्न वहां फॉलो कर रहा था वही पैटर्न यहाँ भी आ रहा है। कुछ डिफरेंट है? साइन के टर्म में था वहां पे आंसर, यहाँ कॉस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कॉस के टर्म में ला रहे हैं, और कोशिश यही कर रहा साइन का रिजल्ट साइन के टर्म में, कॉस का रिजल्ट कॉस के टर्म में। ठीक है, वही करिएगा आप। साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एन तक टर्म तक जाना है, तो साइन को कॉस और कॉस के साइन में कन्वर्ट करने का झंझट ही क्यों रखे? जिस टर्म में है उसी फॉर्म में बस उसको रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो साइन था तो साइन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, कॉस है तो कॉस के टर्म में, थीटा यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर सकते हो टैन इनवर्स बी वाई ए जैसे टर्म डालते हैं वो, और आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो भी डाल देगा, बाकी सारा टर्म वही है। ठीक है, बस इतना ही। अब इसमें कॉन्स्टेंट्स रख के घर पे सॉल्व करना तो 10 क्वेश्चन। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? बोलो। एन टर्म तक निकल क्या हुआ? बन गया, बन गया, लिख ली एन टर्म तक। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करो।